तो हम जा रहे हैं फुनशाल के सैम बस स्टॉप से बस लेकर मशीकू। जिसका किराया है मात्र 5 यूरो। चलिए मदेरा की नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हुए ये सुहाना सफर शुरू करते हैं और वीडियो में आगे जानते हैं और बहुत कुछ इस शहर के बारे में। मदेरा बारिश में ये और खूबसूरत और हरा भरा दिखता है। चूँकि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मोस्टली इंग्लिश पीपल, तो यहाँ आपको लैंग्वेज की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। म्यूज़िक भी FM पे इंग्लिश में सुनने को मिलेगा। मदेरा की कैपिटल सिटी फुनशाल से मशीकू के लिए हम निकल रहे हैं। वैसे मशीकू फुनशाल से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर है और बस से पहुंचने में आपको 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि बस आराम से रुक रुक कर चलती है। और हमें जल्दी भी किस बात की है, ट्रैवल इसीलिए किया जाता है कि हम आराम से एंजॉय करें। रास्ते इतने खूबसूरत हैं, मेस्मराइजिंग है कि मंजिल पे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। यहीं पर बैठ के सफर का आनंद आ रहा है। तो हम मशीकू पहुंच गए हैं। मशीकू मदेरा आइलैंड के एकदम पूर्वी भाग में है, जिसको पोर्चुगीज ने डिस्कवर किया था 15वीं शताब्दी में, जब पोर्चुगीज डिस्कवरी पीरियड की शुरुआत हुई थी। और उस टाइम पे मशीकू मदेरा की कैपिटल हुआ करता था त्रिस्ताउ वाज तेशेरा के द्वारा, जिनका यहाँ पर स्टैचू भी है। उमार कुमेसा अखी समुद्र शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये स्टैचू, जो दर्शाता है कि कैसे पोर्चुगीज ने यहाँ पर अपने कदम रखे। ये शहर और ये बीच फेमस है यहाँ की गोल्डन सैंड के लिए, जो मोरक्को से लाई गई है, और ये बीच मदेरा का बेस्ट बीच है। अभी यहाँ पर बहुत विंडी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन समर में यहाँ पर स्विमिंग करने और सनबाथ लेने वाले टूरिस्ट की कमी नहीं होती। यहाँ पर डॉल्फिन भी देखी जा सकती है, स्कूबा डाइविंग और बोट ट्रिप भी की जा सकती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है कनिसाल, जो काफ़ी सुंदर है, और वहाँ कुछ इंग्लिश मूवीज की शूटिंग भी हुई है। अभी हम मशीकू से जा रहे हैं बस लेकर पोंट दे साओ लोरेंसो, जो एक ट्रैकिंग पॉइंट है। और फिर से हम इस आइलैंड की ऊपर नीचे जाती हुई सड़कों पर होते हुए सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे।
और अब हम पहुंच गए हैं पोंत दे साओ लोरेंसो। तो यहाँ पर जब आपको बस ड्रॉप करेगी तो आप अपना ट्रैक शुरू करने से पहले या बाद में जूस वगैरह पी सकते हैं, और 1 यूरो में यहाँ पर हल्के भी हो सकते हैं। अभी तो क्योंकि बारिश है, जूस का मौसम नहीं है, तो चलिए अभी हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं। और आगे जो आप वीडियो में नज़ारे देखने वाले हैं उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। और लास्ट पॉइंट पे पहुंचकर आप कहेंगे, सीरियसली व्हाट इज दिस प्लेस, दिस इज हेवन। चलिए अभी हम जाते हैं एक और अट्रैक्शन कनीसु के गरजाओ टाउन में। यहाँ से बस का किराया है लगभग 3 यूरो और ऑलमोस्ट हर आधे घंटे में आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। तो बस ने मुझे यहाँ कनीसु में ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से हम थोड़ा पैदल चलकर जाने वाले हैं गरजाओ। चलते चलते मैं रास्ता भटक गई थी और टेंशन में आ गई थी, बट फिर मुझे दिखा क्रिस्टू रई, जीसस क्राइस्ट का स्टैचू, जिसको देखने में यहाँ तक आई और तब जाकर शांति मिली। फिर मैंने चलना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, क्रिस्टू रई जीसस क्राइस्ट का ये स्टैचू रियो दे जनेरो की स्टैचू से भी पुराना है, जिसको बनाया गया था 1927 में, और उसके 4 साल बाद ब्राजील में उसका स्टैचू बना और उससे इंस्पायर होकर लिस्बन में बनाया गया। और इस स्टैचू को कई सारे एंगल से देखा जा सकता है। ओ माय गॉड, सच एन अमेजिंग व्यू। देखिए आज नीला समुद्र, हरियाली और ये स्टैचू। आई एम सीरियसली इन पैराडाइज। तो आज का ट्रिप यहीं खत्म होता है और हम जा रहे हैं फुनशाल। अरे रुकिए रुकिए, अभी मदेरा में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम जाएंगे मदेरा के नॉर्थ वेस्ट साइड में। इस वीडियो को आपने एंजॉय किया हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता लग जाए।